जनाज़ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान नस्ल है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, वो आखिर किस सिमत जा रही है और क्या आगे चलकर वो इतनी कैपेबल होगी कि वो अपने मुल्क की बागडोर संभाल सके। अच्छा, इससे पहले हम आपसे बात कर रहे थे वक्फे पे जाने से पहले और आप खासे नाउमीद नज़र आ रहे थे। इस वक्त आपने कहा कि आप इंटर कर रहे हैं, आगे का क्या फ्यूचर प्लान है आपका? आगे का ये है कि इंटर के बाद इंजीनियरिंग करने का सोचा, लेकिन इंटर में इतने धक्के खाने पड़ने के आगे को मुश्किल लगता है कि इंजीनियरिंग करनी पड़े। आपको लगता है कि इंजीनियर बनने के बाद आप मुल्क का मुस्तकबिल संवार सकेंगे और अपना मुस्तकबिल भी संवार सकेंगे? नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल तो नहीं संवार सकते, लेकिन अपना ज़रूर संवर जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मुल्क का तो कभी नहीं संवरेगा। आप नहीं, अगर आपका मुस्तकबिल संवर जाना ही मुल्क का मुस्तकबिल संवर जाना है मेरे दोस्त। आप और कुछ नहीं कर सकते, आप इतना कर सकते हो कि अपने आप को जो है कामयाब बना सको, वही पाकिस्तान की कामयाबी है। इसलिए मायूसी इतनी अच्छी बात नहीं है, सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचोगे तो पाकिस्तान खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। जनाब, आपका क्या मुस्तकबिल, क्या सोचते हो अपने मुस्तकबिल के बारे में? मैं BBA का स्टूडेंट हूँ सर, और मैं मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 66 में से 5% यूथ जो है वो पढ़ रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। सर, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि अगर 5% यूथ पढ़ रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप जाएँ तो 8,000 एप्लीकेंट होते हैं जो फॉर्म सबमिट होते हैं, 8,000 होते हैं, उसमें से 50 सीटें हैं सर, सिर्फ 50 सीटें हैं उसमें। अगर आप कह रहे हैं कि तो फिर यूथ किस तरह आगे बढ़ेगी, अगर सिर्फ 50 सीटें और 8,000 एप्लीकेंट हैं, आगे नहीं बढ़ सकती। आजकल की महंगाई इतनी है कि कोई भी गरीब या मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता सर इसको। सही, 60,000 पर सेमेस्टर की फीस है, एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। तो कैसे फिर, कैसे लोग तालीम हासिल कैसे कर रहे हैं फिर? सर, ये गवर्नमेंट इदारों में इसकी आपको सीटें वगैरह बढ़ानी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की इतनी इतनी फीस है, किस तरह हमारी यूथ आगे आएगी? कोई इदारा, कोई बैंक का इदारा, बिकॉज देखो इंडिया हो गया, भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके अंदर भी ना कर्ज दिया जाता है कम से कम स्टूडेंट्स को कि वो तालीम मुल्क पे और बैनुल अक्वामी सतह पे भी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और शरायत के तहत जो है कुछ अरसे के बाद वो कर्ज वापस करना शुरू करना पड़ता है और उसके लिए वतन वापस आना होता है। इस तरीके की सहूलियात फराहम की जाती है। सर, मेरिट पे तो हो नहीं रहा है, बोर्ड ऑफिस में आप जाएं आपको कॉपियां बाहर रोड पे पीछे पड़ी हुई नजर आएंगी कि जो मेरिट पे बच्चे देते हैं उनकी कॉपियां बाहर पड़ी होती हैं और जो पर्ची होती है। इस सारी सूरतहाल को मद्देनजर रखते हुए क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है नौजवानों का? नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, अगर जब तक आगे सीटें नहीं होंगी तो नौजवान तालीम किस तरह हासिल करेगा, और हासिल नहीं करेगा तो फिर इसी तरह जाली डिग्री वाले आपके हुक्मरान रहेंगे। सही जनाब, आपसे पूछना चाहूंगा ये नौजवानों का हाल है और क्या कहेंगे हमारे हुक्मरान, जिन जो के टेलीविजन चैनल से बैठ के मेमोस गेट स्कैंडल हो गया या बड़ी बड़ी एक दूसरे के बाद इल्जाम तराशी होगी उसके हवाले से सारे तमाम बातें करते हैं, मगर जो बुनियादी मसाइल है, एक नौजवान के मसाइल है, जो हमारे मुस्तकबिल के मसाइल है, उसके हवाले से कभी कोई पॉलिसी डिफाइन नहीं की गई, कोई स्ट्रैटेजी सामने नहीं लाई गई, ना कोई बजट के अंदर कोई इख्तियारात दिए गए, सूबों को भी इख्तियारात दिए गए अच्छी अमाउंट के अंदर कि वो तालीमी निज़ाम की जानेब इन्वेस्ट कर पाएँ, पॉलिसीज कभी तैयार नहीं की गई, क्यों इतना आँखें मोड़ के बैठे हम लोग अपने नौजवानों से? जी सर, हमारे नौजवानों को असल में यहाँ पे ना उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, हमारे मुस्तकबिल यानी कि नौजवानों का अच्छा करने के लिए जब तक तालीम के लिए वो कुछ नहीं सोचेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, तो हमारे मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं आएगी, उनको नहीं पता होगा कि हमें करना क्या आगे चल के, और जो लड़के यहाँ पे फील्ड में जो कुछ पढ़ते हैं और जिस शोबे में जाते हैं वो शोबा जाके उसको आगे नहीं मिलेगा जिसमें वो शौक रखते हैं, तो फिर वो कैसे चल पाएंगे आगे? यानी कि हम कंप्यूटर करते हैं और हमें आगे जाके फिर दुकान चलानी पड़ती है। सही, ठीक है जनाब, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 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 सजेशन दोगे नौजवानों को एक नॉर्मल ज़िंदगी देने के लिए जिसके अंदर वो अपनी सलाहियत के हवाले से सोच सके? एक नॉर्मल ज़िंदगी देने के लिए क्या करना पड़ेगा हुक्मरानों को? मतलब कि ना उनके पास तफरीही मुकामात है हमारे पास, ना हमारा तालीमी निज़ाम कोई बेहतर है, ना जो ये जो टेंशन, ये जो डिप्रेशन होती है, इसकी काउंसलिंग सर्विसेज कोई मौजूद है कि हुक्मरानों ने कोई काउंसलिंग सर्विसेज ही रखी हो कि कम से कम बच्चों के ऊपर असरात ना हो कि जो भी कत्ल वगारत मुल्क में हो रही है, मतलब उनको अच्छी तरीके से ग्रूम करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, क्या करें, किस तरीके से जो है अपने नौजवानों को एक अच्छा मुस्तकबिल दें? देखें, इस हवाले से वो कहते हैं ना कि किस्सा है बर्बादी का बड़े शौक से दुनिया सुनती है, किस्सा है बर्बादी का बड़े शौक से दुनिया सुनती है, मैं रोऊं या बैन करूं बड़े झूम झूम के दुनिया सुनती है। बात यह है कि पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है बदकिस्मती से उस पर गुज़िश्ता 65 सालों से जागीरदार वडेरे और उसके अलावा उनके एजेंट मौरूस सियासत और स्टेटस को जो इस सिस्टम को तब्दील नहीं करना चाहते, इस सिस्टम के अंदर ही उनकी बका है।
जब तक वो इस सिस्टम पर, इस सियासी कल्चर पर काबिज हैं, तो नौजवान हो, बूढ़ा हो, 9 साल से लेके 99 साल तक का कोई भी इंसान महफूज नहीं है। जब तक इस सिस्टम से जागीरदारों को, वडेरों को अगर हम जब तक उठा के नहीं फेंकेंगे, ये सिस्टम बिल्कुल फरसूदा हो चुका है। इसकी जड़ें जो है ना वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं, इसकी हमने अमली तौर पर जद्दोजहद की। कराची में हमने एक दौर ऐसा भी देखा कि 1988 के अंदर एक जद्दोजहद शुरू हुई 84 के अंदर, और उसमें 27 साल का एक नौजवान फारूक सत्तार की शक्ल में मेयर बनता है। फिर हम जब सन 2004 में आते हैं तो हमें 32 साल का एक नौजवान जो है वो इस शहर का सिटी नाज़िम बनता है, और वो दुनिया का टॉपिस्ट जो है वो नाज़िम के हैसियत से जनाब एजाज़ और इनामात जो है वो उसको मिलते हैं। तो हम इस सूरत हाल में ये समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम है, इस फरसूदा निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा, जड़ से उठा करके फेंकना पड़ेगा। ठीक है जनाब, आप क्या कहेंगे? जनाब जो कुछ जिन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है, और मैं भी इसे इनसे इत्तेफाक करता हूँ। ये हुकूमत जब तक ये कायम रहेगी हम लोग तबाह बर्बाद होते रहेंगे। हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया ये हुक्मरान। बाहर मुल्कों में जाते हैं, भीख मांगते हैं, और हम लोग बदनाम होते हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। कोई मुलाजिम नहीं है, कोई मुलाजमत नहीं है, कोई यहाँ चीज़ें सस्ती नहीं है, लोड शेडिंग हर चीज़ की आ रही है, गैस बंदिश हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, सब चीज़ ट्रांसपोर्ट बंद हो रही है, आवाम हर तरह से परेशान है। इस इन तमाम का हमारे नौजवानों पे क्या असर पड़ता है, वो क्या सोचते हैं? भाई नौजवान क्या कर सकते हैं बेचारे, वो भी मजबूर हैं, क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे गोली खाएंगे घर वीरान हो जाएगा, इसलिए बेचारे हो गए। हमारे तंजीमें जो है ना इस वक्त तंजीमें हमको चाहिए कि बाहर निकलें और इस बात को मुतहैया कर लें दिन में कि इस हुकूमत को अब नहीं रहना किसी तरह भी। ठीक है, ठीक है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि हुक्मरानों का, उन्होंने कहा कि हुक्मरान नहीं चाहते और इस तरफ तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हुक्मरान तालीम की अहमियत से वाकिफ़ हैं, क्योंकि इसी वजह से अपने बच्चों को वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में बैरून मुल्क भेज के पढ़ाते हैं। तो फिर मुल्क के जो नौजवान हैं उनके लिए उनकी ये सोच क्यों नहीं है? उनके लिए क्या वो सोचेंगे, वो पहले अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। मैं तो बल्कि यहाँ पर जो आपको याद होगा कि HEC का जो इदारा था उसको भी इन्होंने सिलसिला ऐसा कर दिया कि उसको सूबाई सतह पर करने शिफ्ट कर दिया, कि सिलसिले में उसमें इख्तलाफात हुए, उसमें जो बच्चे यहाँ पर मेरिट पे थे, जो स्कॉलरशिप पे गए हुए थे, जिनकी तालीम भी अभी पूरी नहीं हुई थी, वहाँ पर से उनको वहाँ कर्ज लेने पड़े, वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको वो फीसें यहाँ से नहीं मिल पा रही हैं, उसके बदले में वो अपने पैसे यहाँ पर मना रहे हैं। तो मतलब यही है मेरा कि यहाँ पर जो नौजवान नस्ल है, यहाँ पर जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको एक आसान किस्तों में उनको जो लोन वगैरह का है ऐसा इंतज़ाम किया जाए, जाके वो लड़के सही तरीके से तालीम हासिल कर सकें और अपना मुल्क का मुस्तकबिल संवार रहे हैं और अपना भी मुस्तकबिल संवार। अच्छा, आप भी एक पेरेंट होंगे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से बात करें, नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से बात करें, हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है और वो बिल्कुल बनती है। दूसरी तरफ जब अगर माँ बाप के हैसियत से आपसे एक सवाल पूछो, माँ बाप की किस हद तक जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की सोच में आज़ादी लाएं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमें कहते हैं कि बेटा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हासिल करो, मतलब इसी के अंदर मुस्तकबिल है। और अगर वो कभी बच्चा कहता है कि भाई अब्बू मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो बाप परेशान हो जाता है, या मैं गुलकारी की तरफ जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल ही जो है वो तो हमें हमारे माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि भाई हम ये नहीं कर सकते, या इस तरीके की और बेशुमार स्किल सेट्स हैं जिसके अंदर वो जाना चाहते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं कि इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। ये आज़ादी हम क्या, अगर आपको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए कि वो उनकी जो भी सलाहियत है, ख्वाह वो पेंटिंग करना चाहते हैं, वो उसके अंदर महारत हासिल करें और उस तरीके से आगे जाएं, मतलब क्या ये हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं बनती आपको लगता है? जी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, और मैं तो इस हक में हूँ कि बच्चे के माइंड को देखें कि माइंड उसका किस तरफ पर है। हम ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत ना करें कि वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर तुझे बनाना है, तुझे इंजीनियर, ये जी पुरानी फरसूदा बातें हो गई हैं। अब हमें ये देखना है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, उसका माइंड किस तरफ है, तो हमें उसी में ही अगर उसको हम दाखिल करेंगे तो ज़्यादा तरक्की कर सकता है। सही यार, आप भी नौजवान हो, जो मैंने मुद्दा उठाया, आपने जब अपनी ज़िंदगी का फैसला किया, आप तालीम हासिल कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? करा भी मैंने। और आगे क्या सोचा है? आगे बीकॉम करूंगा। आगे बीकॉम करोगे? मतलब क्या कहते हैं, बताना ही चाह